नो वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर हैविंग टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स एंड द अप्रॉक्सीमेट जो नंबर है न्यूक्लियोटाइट्स का दैट इज थ्री बिलियन नो वी ऑल हैव सेम क्रोमोजोम नंबर वी ऑल हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइट बट स्टिल वी आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर हमारे बीच में आपस में कितने ज्यादा डिफरेंसिस हैं चाहे वो डिफरेंसेज स्ट्रक्चरल हैं फंक्शनल हैं बिहेवरियल है, हैं तो ये डिफरेंसेस स्टूडेंट्स क्यों है बेशक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम है बट जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का दैट इज डिफरेंट डिफरेंट इन ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1990 उसका मेन एम यही था कि जो टोटल जीनोम है उसके ऊपर सीक्वेंस पता लगाया जाया जाया जाए कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता करना था ऑन टोटल 24 क्रोमोसोम्स नाउ वी हमारा हैप्लोइड नंबर बेशक 23 है n is equal to 23 बट 24 क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस पता लगाना था विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट जिसमें 22 क्या है ऑटोसोम्स है एंड वन एलोसोम इज प्रेजेंट इन मेल और फीमेल तो मेल्स जो है उनमें वाई क्रोमोजोम है और फीमेल्स में एक्स क्रोमोजोम है तो टोटल जो क्रोमोजोम है जिनकी सीक्वेंसिंग पता लगानी थी दैट वाज 24 फोर 22 ऑटोसोम्स एंड टू एलोसोम सो द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट वाज टू फाइंड दूक्लोटाइड सीक्वेंसेस इन ऑल दीज ट्वेंटी क्रोमोजोम्स बिकॉज हमने पढ़ा है कि न्यूक्लोटाइड में शुगर फॉस्फेट तो कॉमन है जो डिफर कर रही हैं न्यूक्लोटाइड्स उनमें डिफरेंस क्यों है बिकॉज ऑफ दी नाइट्रोजनस बेसिस तो इन्हीं न्यूक्लोटाइड्स की सीक्वेंसिंग पता लगा के दाइंटिस्ट दे वांटेड टू फाइंड आउट दी डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स

Uh, this project was a necessary step. Therefore, in the year 1990, this project was started by US, and later on, many other countries they joined this project. And this project was a 13 years efforts of the scientists. 13 years students is project ko complete hone And this project that was completed in on 6th May 2003 but the last chromosome that was sequenced in the year 2006 so students let us study in detail about this human genome project so students let us start with human genome project we all know that human genome project was an international research effort to determine the sequence of human genome and identify the genes that it contains so the main aim of human genome project was to determine the nucleotide sequence of 24 chromosomes 22 autosomes and two allosomes x and y and this project was started in the year 1990 it was a 13 year project and it was started first in 1990 by u.s department of energy and national institute of health thereafter in 1996 wellcome trust uk joins this project and in 1998 a private biotechnology company which is the largest biotechnology company in the world celera genomics joins this project and they said that they will sequence much of the human genome in 3 years in 1999 the first chromosome was sequenced and this was chromosome number 22 so students the first chromosome which was sequenced that was chromosome number 22 in 2001 analysis of working draft was published and in 2003, HGP, that is Human Genome Project Sequencing, is completed. Actually, this project was expected to be completed in 2001, but this got completed in May 2003. So, this project was declared finished two years ahead of the schedule. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वाई एच जी पी इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट एच जी पी ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी एक्सपर्ट्स मोस्ट सोफेस्टिकेटेड एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इन्वॉल्व्ड बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए किस तरीके से अ लॉट ऑफ मनी दैट वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अगर एक बेस पेयरिंग की सीक्वेंसिंग करनी है तो उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर था खर्चा जो था दैट वाज थ्री डॉलर्स एंड वी नो दैट इन ह्यूमन जीनोम टोटल थ्री बिलियन बेस पेयर्स आर प्रेजेंट तो अगर थ्री बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करनी है तो स्टूडेंट उसका टोटल एक्सपेंडिचर था नाइन बिलियन डॉलर्स सो दिस वॉज मच ह्यूज अमाउंट टू बी यूज्ड इन एच जी पी देयर फोर एच जी पी इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट और तीसरा चैलेंज ये था स्टूडेंट कि अगर हम न्यूक्लोटाइड सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो अब इस न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस को स्टोर कहाँ पर करना है बिकॉज डाटा इतना ज़्यादा आना था आफ्टर द सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जिनोम कि अगर उसको टाइप करके स्टोर करना होता इन बुक्स दैन थर्टी थ्री हंड्रेड बुक्स वर रिक्वायर्ड विद अ कंडीशन कि उस बुक के टोटल थाउजेंड पेजेस हों और हर एक पेज पे थाउजेंड लेटर्स हों तो स्टूडेंट एक छोटी सी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और उस डीएनए के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कि अगर हमें उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमें थर्टी थ्री हंड्रेड बुक्स रिक्वायर्ड हैं ऑफ थाउजेंड पेजेस देयर फॉर दिस प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट सो so स्टूडेंट्स ये देखो बुक्स दिखाई गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर बुक्स पे ये डाटा ये न्यूक्लोटाइड सीक्वेंसेस को टाइप करके स्टोर करना पड़े तो इतनी सारी बुक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और इन बुक्स के ऊपर लिखा क्या होगा स्टूडेंट्स न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस लिखा होगा ए टी जी सी ओनली ओनली दिस लेटर्स दे आर रिटन एंड फॉर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली थर्टी थ्री हंड्रेड बुक्स देवर रिक्वायर्ड और नेक्स्ट था कि जो इतना सारा डाटा जो ऑप्टेंड होना था बाई द्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट तो उसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस देवर रिक्वायर्ड अब कंप्यूटर्स के फील्ड में भी एक चैलेंज था कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स पे स्टोर किया जाए उसको एनालाइज किया जाए और व्हेन द ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड उसी के बाद स्टूडेंट बायोलॉजी की एक नई ब्रांच जो है वो इमर्ज के आई विच इज़ नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स व वेरी न्यू ब्रांच ऑफ बायलॉजी जिसमें जो बायलॉजिकल इंफॉर्मेशंस है उसे कंप्यूटर्स पे स्टोर किया जाता है उसे एनालाइज किया जाता है ऑन दी कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है जो कि एक न्यू ब्रांच है बायलॉजी की ये इस प्रोजेक्ट के बाद ही इमर्ज होके आई है एंड स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग मच इंटरेस्ट इन दिस ब्रांच ऑफ बायलॉजी नो व्हाट वर दी गोल्स ऑफ HGP HGP के गोल्स क्या थे पहला गोल था स्टूडेंट की अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन जिनोम उनको आइडेंटिफाई किया जाए थ्री बिलियन बेस पेयर्स जो प्रेजेंट हैं उनकी सीक्वेंसिंग पता की जाए कि पहला न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस कौन सा है दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है तो दिस वॉज रियली मेगा टास्क बाई दी साइंटिस्ट टू बी परफॉर्म्ड तीसरी चीज़ थी कि जो इंफॉर्मेशन आनी थी उसको स्टोर कैसे किया जाए इन कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ डाटा बेस फिर उनकी एनालिसिस कैसे की जाए डाटा स्टोर तो किया गया है बट हाउ टू एनाल दैम उसके टूल्स को इम्प्रूव किया जाए इस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से अप्लाई करना है और ये भी देखना था कि अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इसके बाद किस तरीके के एथिकल uh, लीगल या सोशल इश्यूज़ सोसाइटी में इमर्ज होकर आते हैं सो दीज वर दी गोल्स ऑफ ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट भी किस तरीके के मेथोडोलॉजीज जो हैं वो अप्लाई की गई ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मेथड्स जो हैं वो अप्लाई किए गए किस तरीके से ह्यूमन जिनोम की सीक्वेंसिंग की गई स्टूडेंट्स दो मेथड साइंटिस्ट ने यूज uh, किए इसके लिए और देवर इन देयर माइंड पहला है एक्सप्रेसड सीक्वेंस टैक्स वी ऑल नो दैट हमारा Uh, सारा जो डी एन ए है दैट इज़ नॉट फंक्शनल ओनली फिफ्टी पार्ट ऑफ द डी एन ए इज़ फंक्शनल एंड फिफ्टी पार्ट जो है वो अन इट इज़ नॉन फंक्शनल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता तो पहला मैथड ये था कि उस डी एन ए को सीक्वेंस किया जाए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आर एन ए दिस इज़ नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स कि केवल उन्हीं पार्ट्स ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाए विच इज एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ एज आर दूसरा यह है कि कंप्लीट जो जीनोम है वेदर इट इज कोडिंग और इट इज नॉन कोडिंग वेदर इट इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सबकी ही सीक्वेंसिंग की जाए सो दिस इज़ नोन एज ब्लाइंड अप्रोच हमने ये नहीं देखना कि दिस इज़ कोडिंग ये काम कर रहा है ये फंक्शनल है इसकी सीक्वेंसिंग करनी है एंड दिस इज़ नॉन फंक्शनल और दिस इज़ नॉन कोडिंग इसकी सीक्वेंसिंग नहीं करनी है uh, तो ये नहीं है सेट ऑफ जिनोम की जब सीक्वेंसिंग की जाती है दैट इज नोन एज सीक्वेंस एनोटेशन और स्टूडेंट्स ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के लिए ये जो सेकेंड टेक्निक है सेकेंड मैथड है विच इज नोन एज सीक्वेंस एनोटेशन इसको यूज किया गया मीन्स कंप्लीट जिनोम की सीक्वेंसिंग की गई वेदर इट इज कोडिंग और नॉन कोडिंग सो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि एच के लिए सीक्वेंस एनोटेशन मैथड जो है वो यूज़ किया गया था नाउ द टेक्निक ऑफ़ एच जी पी अगर ह्यूमन जिनोम की सीक्वेंसिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जिनोम डी एन ए डी एन ए की सीक्वेंसिंग अगर करनी है तो डी एन ए को आइसोलेट किया गया फिर स्टूडेंट्स स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि डी एन ए को पर्टिकुलर साइट पर जाके कट करते हैं इनको हम कहते हैं रीस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम्स को मॉलिकुलर सीज़र्स भी कहा जाता है बिकॉज दे कट दी डी एन एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन एंजाइम्स की हेल्प से डी को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट किया गया और जब ये एंजाइम्स डी को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करते हैं तो स्टूडेंट्स स्टिकी एंड्स जो हैं दे आर ऑपटेड स्टूडेंट इस एंजाइम से डीएनए जिसकी सीक्वेंसिंग करनी थी उसको भी कट किया गया प्लस जो वेक्टर्स यूज करने थे इन ऑर्डर टू एम्प्लीफाई दैट डीएनए उनको भी इसी एंजाइम से कट दिया गया ताकि एक तरीके के स्टिकी एंड्स जो हैं वो ऑप्टेंड हो और वेक्टर को डीएनए के साथ ज्वाइन किया जाए तो यूजुअली सबसे पहले स्टूडेंट्स जब डीएनए को आइसोलेट किया जाता है तो डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो हम अपने फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे पी टेक्निक होती है स्टूडेंट एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिससे हम डी को एम्प्लीफाई कर सकते हैं इसके अलावा स्टूडेंट वेक्टर्स को भी यूज किया जाता है वेक्टर्स के अंदर डीएनए को इंसर्ट करके उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करता है वैसे वैसे हमारा जो डीएनए है दैट ऑल्सो मल्टीप्लाईज तो इस टेक्निक के लिए वैक्टर्स बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम और यैक यस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम इन वेक्टर्स को यूज़ किया गया बट स्पेशली एच के लिए स्टूडेंट जो यैक्स हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम इन वेक्टर्स को यूज़ किया गया टू एम्प्लीफाई दी डी तो जब डी को एम्प्लीफाई कर लिया गया स्टूडेंट उसके बाद सेंगर uh, मेथड जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने थे उन फ्रेगमेंट्स की अब सीक्वेंसिंग करनी थी उन पे न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस पता लगाना था और इसके लिए स्टूडेंट सेंगर मेथड यूज़ किया गया और ये सेंगर मेथड जो है दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड विच वाज डेवलप बाय अ नोबल लोरिएट फ्रेडरिक सेंगर जिसको क्रेडिट जाता है फॉर डिटरमाइनिंग दी सीक्वेंसेज ऑफ प्रोटीन्स तो एच के लिए स्टूडेंट ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के लिए सेंगर मैथड को यूज़ किया गया टू डिटरमाइन दी न्यूक्लोटाइड सीक्वेंसेस तो जो छोटी छोटी डीएनए की फ्रेगमेंट थी उनकी सीक्वेंसिंग पता लगाई गई बाई सेंगर मैथड और फिर उन फ्रेगमेंट्स के कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स थे स्टिकी एंड्स थे और फिर उन सीक्वेंसेस को जब डिटरमाइन कर लिया गया फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस को जब डिटरमाइन कर लिया गया तो फिर उनको आपस में फिर जोड़ा गया और वो जुड़े कैसे ऑन द बेसिस ऑफ दी ओवरलैपिंग रिजन्स तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा जो है पिक्चर की हेल्प से तुम्हें क्लियर हो जाएगा देखो प्लाजमेट्स हैं और ये हमारे डीएनए एन फ्रेगमेंट्स हैं प्लाज्मेड और डीएनए को एक ही एंजाइम से कट दिया जाता है ताकि स्टिकी एंड्स ऑप्टेंड हों और इस तरीके से जो डीएनए है उसको मल्टीप्लाई किया गया और फिर देखो फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंस पता लगाए गए और फिर उन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ा गया अब ये जो फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने का काम था स्टूडेंट ये ह्यूमनली नहीं था ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतनी सारी ये जो फ्रेगमेंट्स बनी हैं इसको कैसे अब जोड़ा जाए कौन सी पहली फ्रेगमेंट है कौन सी सेकेंड है कौन सी थर्ड है तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स की जो है वो हेल्प ली गई और कंप्यूटर्स की हेल्प से इन सभी फ्रेगमेंट्स को जोड़ा गया अलाइन किया गया सो द अलाइनमेंट ऑफ डी एन ए सिक्वेंसिस दैट वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल और देयर फॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स दे वर डेवलप्ड और फिर इन सीक्वेंसेस को एनोटेट किया गया और उन्हें असाइन किया गया हर एक क्रोमोसोम भी पहले पहले क्रोमोसोम की फ्रेगमेंट्स किए गए उनका सीक्वेंस पता लगाया गया फिर उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ा गया विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स सो इस तरीके से पूरे के पूरे जो 24 फ़ोर क्रोमोज़ोम्स हैं उनका सीक्वेंस पता लगाया गया एंड वी ऑल नो कि पहला क्रोमोज़ोम जो सीक्वेंस हुआ था दैट वॉज क्रोमोज़ोम नंबर 22 और जो लास्ट क्रोमोज़ोम जिसकी सीक्वेंसिंग की गई दैट वॉज क्रोमोज़ोम नंबर वन और इसकी सीक्वेंसिंग स्टूडेंट कंप्लीट हुई थी इन मे 2006 थाउजेंड बिकॉज क्रोमोजोम नंबर वन जो है स्टूडेंट दिस इज़ द लार्जेस्ट क्रोमोज़ोम नाउ व्हाट इज दी सेलियंट फीचर्स ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें अपने जिनोम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता लगी सबसे पहली इंफॉर्मेशन ह्यूमन जिनोम कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स ट्वेंटी टू ऑटोसोम्स वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोजोम्स ये पता लगाया गया कि ह्यूमन जिनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली नाइन बिलियन न्यूक्लियोटाइट पेयर्स प्रेजेंट है नाइन बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स एंड एग्जैक्ट अगर नंबर देखा जाए तो एग्जैक्ट नंबर भी स्टूडेंट्स डिटरमाइन किया गया और एग्जैक्ट नंबर है थ्री पॉइंट वन सिक्स फोर सेवन बिलियन दिस इज द एग्जैक्ट नंबर इस प्रोजेक्ट के बाद एग्जैक्ट नंबर जो है बेस पेयर्स का डिटरमाइन किया गया दिस इज थ्री पॉइंट वन सिक्स फोर सेवन नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन जिनोम इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट थर्टी थाउजेंड जीन्स तीस हजार के जीन्स पहले एक्सपेक्ट किया जाता था कि जीन्स जो है वो शायद लैक्स में है देर आर लैक्स ऑफ जीन्स बट थ्रू दिस प्रोजेक्ट ये पता लगा गय, पता लगाया गया दैट ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली थर्टी थाउजेंड जीन्स एवरेज जो लेंथ है जीन की स्टूडेंट दैट इज थ्री थाउजेंड बेसिस बट दी साइज ऑफ जीन्स वेरी ग्रेटली और सबसे लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन जो है दैट इज द ड्रायस ट्रोफिन जीन विद अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट फाइव Million base pairs. This much base pairs they are present in the diastrophin gene, which is the largest gene. Next, only about 3% of the genome encodes amino acid sequences of polypeptides, and rest kya hai? Repetitive hai. Kewal थ्री परसेंट जिनोम जो है वही अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है और 97% सेवन परसेंट जो जिनोम है उसमें डीएनए सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं इट कंसिस्ट ओनली ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। नेक्स्ट द फंक्शंस आर अनोन फॉर ओवर फिफ्टी थाउजेंड ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स अब स्टूडेंट इसको भी हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं बिकॉज एच के लिए दूसरा जो है मैथड फॉलो किया गया था सीक्वेंस एनोटेशन तो सीक्वेंस एनोटेशन में कंप्लीट जिनोम की सीक्वेंसिंग जो है वो की गई थी और कंप्लीट जिनोम में देखा जाए तो कोडिंग डी भी है और नॉन कोडिंग डी भी है तो नेचुरली जो नॉन कोडिंग डी एन ए है दैट इज़ नॉट फंक्शनल तो हम ये कह सकते हैं कि तीस हजार अगर टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से फिफ्टीन थाउजेंड जीन्स जो हैं दे आर फंक्शनल फिफ्टी थाउज फिफ्टीन थाउजेंड जीन्स जो हैं, दे आर नॉट फंक्शनल सो फंक्शंस जो हैं, फिफ्टी थाउजेंड जीन्स के ही डिस्कवर्ड किए गए नेक्स्ट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस दे मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जिनोम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं वो बहुत लार्ज पोर्शन बना रहे हैं अभी मैंने बताया कि 97 परसेंट जो पोर्शन है जिनोम का दैट इज़ मेड अप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। और वो रेपिटेटिव डीएनए क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर उसकी डायनामिक्स और उसकी इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है Chromosome number 1 that is having the maximum genes, total 2968 genes they are present on chromosome number 1. Whereas the chromosome number Y, chromosome Y, it contains the lowest genes, total 231 genes they are present on Y chromosome. Next. Almost all the nucleotide bases are exactly the same in all the people. We all are similar. Genome sequences of different individuals differ for less than 0.2% of the base pair. Means dekha jaye 99%. पॉइंट एट परसेंट वी ऑल आर सिमिलर और जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं वो पॉइंट टू परसेंट के हैं बट स्टूडेंट अगर तुम पॉइंट टू को मल्टीप्लाई करो थ्री बिलियन बेस पेयर से तो वो नंबर भी बहुत ज़्यादा आएगा तो इट मीन्स हमारे अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो वो भी बहुत ज़्यादे हैं और ये जो डिफरेंसेज हैं हम सब में दैट इज़ इन सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेज एंड दिस इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज़म एक एक न्यूक्लियोटाइड में हम सब में कहीं ना कहीं जो है वो डिफ्रेंसेज हैं एंड वन एस एन पी अक्क एट एवरी वन थाउजेंड बेस पेयर ऑफ ह्यूमन जिनोम मतलब एवरी वन थाउजेंड पेयर के पीछे एक एस एन पी जो है वो करता है एंड अबाउट एट्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑल डिफरेंसेस इन ह्यूमन डी एन ए दे आर ड्यू टू दिस सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो गया स्टूडेंट मतलब कि हमारे अंदर ऑलमोस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं न्यूक्लोटाइड सीक्वेंसेस और जो डिफरेंसेस हैं वो एक पॉइंट पे है फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल के अंदर ये न्यूक्लोटाइड है सपोज स्टूडेंट ए ए टी टी सी दूसरे के अंदर है ए ए जी टी सी तीसरे में है सपोज ए ए टी सी तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ए ए टी सी ए ए टी सी ए ए टी सी तो सिमिलर है बट डिफरेंस कहां पे है एक पॉइंट पे वी आर डिफरिंग दिस इज नोन एज स्टूडेंट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिजम सो दिस वॉज अबाउट दी सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जिनोम जो कि इस प्रोजेक्ट के बाद इमर्ज होके आया और हमें अपने ह्यूमन जिनोम के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लगी पहली इन्फॉर्मेशंस कुछ गलत थी जीन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे थे बट इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगा न्यूक्लोटाइड्स का एग्जैक्ट नंबर क्या है और एग्जैक्ट नंबर क्या है जीन्स का ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स नेक्स्ट व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट इस ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के क्या एप्लीकेशन्स हैं इससे हमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो पता लगी आइडेंटिफाई की हमने जीन्स और जीन्स के फंक्शंस जो हैं वो डिटरमाइन किए गए व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द वेरियस जीन्स उसके बाद पॉलीजीनिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं दट डिसऑर्डर्स विच आर कॉज बाय मेनी जीन्स जो स्टडी करने बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स टू स्टडी तो इनके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही इमर्ज होकर आई जीन थेरेपी जीन थेरेपी अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं किसी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जीन की डेफिशिएंसी के कारण है तो उन डिसऑर्डर्स को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं जीन्स मैनिपुलेट करके तो एच जी पी के थ्रू स्टूडेंट्स हमें ये पता लगा कि किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया जा जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ जीन थेरेपी और हम अपनी जीन थेरेपी को किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि जो है सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा इमर्ज हो फोर्थ डायग्नोसिस ऑफ डिजीजस डिजीजेस को कैसे डायग्नोज किया जाए पता लगाया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो सके सो so, ये भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो इमर्ज होके आया है सो दीज आर दी एप्लीकेशन्स ऑफ एच जी पी और स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के बाद ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के बाद बाकी कई औरगैनिज़म्स हैं उनके भी जिनोम की सीक्वेंसिंग जो है वो की गई है आफ्टर द ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट तो इसे नॉन ह्यूमंस पे भी अप्लाई किया गया है जैसे अरेबिडॉपस इसका सीक्वेंस जो है वो पता लगाया गया है ड्रोसोफिला फ्लाई इसकी भी सीक्वेंसिंग की गई है कैनो रैपिडिटिस एलिगेंस जो कि एक निमेटोड है दिस हैज़ ऑल्सो बीन सीक्वेंसड बैक्टीरिया यीस्ट सेखेरोमाइसिस सेरेवेसी इसकी भी सीक्वेंसिंग जो है वो की गई है सो आफ्टर द ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट मैनी नॉन ह्यूमन्स उनके जिनोम को भी सीक्वेंस किया गया सो दीज व दी एप्लीकेशंस ऑफ स्टूडेंट्स ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट आई थिंक ये टॉपिक जो है ये तुम सबको बहुत क्लियर होगा हो गया होगा और हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया है कि ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके के मैथड्स फॉलो किए गए किस तरीके की टेक्निक्स इन्वॉल्व की गई और इस प्रोजेक्ट के बाद हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या पता लगी हमारे जिनोम के बारे में So, students, this was all about today's lecture. In my next video, we will study about another very interesting topic that is DNA fingerprinting. Till then, students, thank you.